टू माय ब्लॉग साथियों, अभी मैं हूँ अपनी दादी के गांव में और दिशा की मम्मी जो है अभी चाय बना रही हैं। ये देखिए पीछे चाय बन रही है, ये देखिए चाय खोल रही है। तो काफ़ी अच्छा नेचुरल नज़ारा जो है आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर दादी जो है आलू साफ कर रही हैं। दादी क्या कर रही हो तुम? हैं, ये मेरी दादी है। अच्छा, इस तरीके से जो है आलू साफ किए जा रहे हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे आलू हैं। आज हम आलू मेथी की सब्जी बनाने वाले हैं। ये देखिए मेथी रखी हुई है और दादी आलू साफ कर रही हैं। काफ़ी छोटे छोटे आलू हैं। ये एक यूनिक तरीका है आलू को साफ करने का। अधिकतर लोग चाकू से साफ करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बट इस तरीके से जल्दी साफ हो जाते हैं आलू। और ये देखिए मेथी रखी हुई है, खेत की मेथी है, काफ़ी शुद्ध और अच्छी है, ताजी है। इधर जो है बाबा लेटे हुए हैं, काफ़ी इनकी उम्र है, फिलहाल अब सुबह सर्दी ज़्यादा है तो ये लेटे रहते हैं। ये जो है दिशा खेल रही है इधर। मॉर्निंग का टाइम है तो चाय गैस पे रखी हुई है। हम लोग जो है अभी मामा के यहाँ से आए हैं, फिर अपने घर पर आए हैं दादी के यहाँ। दिशा चाय पीना है? फिर यहाँ से हम लोग दिशु की नानी के यहाँ निकलने वाले हैं। ये देखिए काफी खुश है दिशा। ये जो है हमारा अंदर का कमरा है। हमारे दिशु को जुकाम हो ये गया। देखिए दादी का घर जैसा भी आपके सामने है। फिलहाल यहाँ कोई रहता नहीं है। हम लोग जो है हम तो दिल्ली में रहते हैं और ये यहाँ पर दादी, बाबा और छोटी चाची रहती हैं। ये जो है गांव का नज़ारा, ये देखिए गांव है। ये मेरा गांव है, इसका नाम है गुक्सीना। ये जो है चारा काटने वाली मशीन रखी हुई है। ये देखिए गांव के घर, साइकिल रखी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है साइकिल रखी हुई। काफ़ी अच्छा लगता है साथियों गांव में आकर और ये नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए पहले इस तरीके से दीवारों में सामान रखने के लिए होल टाइप से बनाए जाते थे। इसमें जो है लोग बाग कुछ भी रख देते थे, जैसे मान लीजिए चूल्हा इधर है तो इधर दिया रखते थे ताकि चूल्हे पर रोशनी आए। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही पुरानी हैं। ये देखिए इसमें एक ये जो है कमरा है, इसके अंदर ज़्यादातर जो है वेस्ट सामान रखा जाता है, जैसे भूसा इसमें अभी भरा हुआ है। ये देखिए भूसा, ये अभी फुल था बीच में, अभी धीरे धीरे इसको खाली कर दिया। तो इसमें ये भूसा घर है हमारा, भैंसों के लिए इसमें भूसा भरा जाता है। इधर जो है देखिए धूप निकलती हुई, धीरे धीरे धूप पूरे आंगन में आ जाएगी। दिशा, दिशा चाय बन गई क्या? अच्छा, तो साथियों जैसा कि फिलहाल अभी चाय रखी हुई है गैस पे और लगभग बन ही चुकी है, तो अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।